एमए उत्तराद के छात्र छात्राओं का इस व्याख्यान वाला में स्वागत है। आज हम ललित निबंधों पर विशेष जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे एमए साहित्य के पाठ्यक्रम में ललित निबंधों पर काफ़ी जोर दिया गया है निबंध विषय में। तो आज हम ललित निबंधों के बारे में जानकारी प्रारंभ करेंगे। कल हमने एक संक्षिप्त रूप ललित निबंधों का जाना था कि ललित निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। आज हम ललित निबंधों के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो आप लोग ये देखिए कि हम किस तरह से इनके बारे में जान सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा, ललित निबंध। तो इसको आप जानिए। हम जानते हैं कि ललित निबंधों के बारे में जब चर्चा होती है तो ये भी हम मानते हैं कि ललित निबंध गद्य साहित्य में एक नया रूप रंग लेकर के वर्तमान काल में आया है, और उसी को हम ललित निबंध के रूप में जानते हैं। यह आज की तारीख में हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यह नहीं है कि यह किसी पर निर्भर हो, बल्कि अपनी स्वतंत्र विधा के रूप में इसने अपना स्थान बना लिया है। ललित निबंध जो है वो व्यक्ति प्रधान अथवा आत्मपरक गद्य खंड होता है, अर्थात गद्य होता है लेकिन व्यक्तिपरक यह आत्मपरक ही होता है, और इसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो आम तौर पर काव्यात्मक भाषा होती है। इसमें कल्पना प्रवणता, मन की उन्मुक्त भटकन, तल्लीनता के साथ साथ स्वानुभूति का प्रदर्शन, अपनी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं की अभिव्यक्ति, इसके साथ साथ इनमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है और तारतम्यता भी पाई जाती है। क्रमबद्धता के साथ साथ प्रत्येक भाव जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, ये इनकी खासियत होती है। भटकन आती है, उन्मुक्त भटकन होती है इसमें, लेकिन असल में ये होती नहीं है बल्कि उसका आभास मात्र होता है, क्योंकि भटकते वापिस उसी मूल मुद्दे पर निबंधकार आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आभासी भटकन होती है, और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ इसमें इनका जो प्रस्तुतिकरण है वो कलापूर्ण काव्यात्मक गद्य शैली में किया जाता है, और इसे हम इनकी कुछ विशेषताएं भी कह सकते हैं। इनमें लेखक के या निबंधकार के फक्कड़पन या मन की जो मौज होती है उसकी एक विशेषता होती है, वो भी इन ललित निबंधों में पाई जाती है। अब है इन निबंधों में चिंतन पाया जाता है, आत्मीयता पाई जाती है। इनके साथ साथ चिंतन और आत्मीयता के साथ जो है संवेदनशील अभिव्यक्ति भी होती है, तब यह निबंध एक सामान्य निबंध से ललित निबंध हो जाती है। अर्थात इसमें चाहे भाव हो, चाहे अर्थ हो, चाहे शब्द हो, चाहे विचार हो, इन सभी का सभी स्तरों पर लालित्यपूर्ण निबंधन या संयोजन पाया जाता है, तो यहाँ ये ललित निबंध हो जाता है। और इसमें हम इसकी तुलना एक निबंध मूर्तिकार से कर सकते हैं, कि मूर्तिकार जिस तरह से अपनी मूर्ति के हर चीज़ को जिस जगह जहाँ होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से उकेरता है, उभारता है, उसी तरह से निबंधकार जो है वह भी प्रत्येक शब्द को सजाकर संवारकर और अपना जो विशिष्ट उसका सांस्कृतिक बोध है, अपने आसपास की जो संस्कृति है उसके अनुसार उसने जो बोध पाया है, उस बोध के अनुरूप अपने भावों और अपने विचारों को प्रेरित अपने संप्रेषित करता है।
और यही कारण है क्योंकि विचार भी हैं, भाव भी हैं और शब्द भी हैं, अर्थ भी हैं, तो ये ललित निबंध जो होते हैं वो व्यक्ति को, पाठक को, उस बुद्धि को, उसको सोचने को मजबूर करते हैं और उसके जो मन का अनुभव है, भीतर का अनुभव है, उसे भी अनुभव करने को बाध्य करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ललित निबंध जो है वो आत्मीयता की मन भावन रंगोली होता है और मन की जो भावुक मन की जो अंतरंग पुकार होती है वह ललित निबंध होता है। अब एक और आता है कि जैसे हमने पहले व्यक्तिगत निबंध पढ़ा भेदों में, तो इन व्यक्तिगत निबंधों में जब निबंधकार अपने विचारों और अनुभूतियों, निजी संस्पर्श के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति देता है ऐसे निबंधों में, और वह उस संस्पर्श को अपने व्यक्तित्व का अविभाज्य अंश बना देता है और उसके प्रस्तुत, उसको सृजन भी करता है और उसको प्रस्तुत भी करता है, और इसमें उस लेखक के व्यक्तित्व की निजता भी होती है, उसके हृदय की अनुभूति भी होती है, भावनाओं की बरसात भी होती है और उसकी जो शैली होती है उस शैली में भी स्वच्छंदता होती है। ये था व्यक्तिगत निबंधों का। जब ऐसे ही व्यक्तिगत निबंधों में लालित्य और सांस्कृतिक बोध, क्या लालित्य और सांस्कृतिक बोध जुड़ जाता है या उन उपकरणों का समावेश हो जाता है, इसे हम यहाँ तकनीकी भाषा में हम उपकरण कह सकते हैं, क्या लालित्य और सांस्कृतिक बोध, इसके उपकरण यदि जुड़ जाते हैं या उनका समावेश हो जाता है तो वो व्यक्तिगत निबंध जो है ललित निबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए पीछे आपके लिखा हुआ मिलेगा, तो ये देखिए इसमें वही बात बताई गई है कि विचारों की अनुभूति जो है उसका संस्पर्श होता है व्यक्तिगत निबंधों में, और जब इन व्यक्तिगत निबंधों में लालित्य और सांस्कृतिक बोध जुड़ जाता है तो वो जो है ललित निबंधों में परिवर्तित हो जाता है या ललित निबंध कहलाता है। अब ये है कि ललित निबंधों में बहुत से गुण होते हैं जिसमें उसकी रचना क्षमता, सहृदयता और रागात्मकता को प्रमुखता से माना जा सकता है, इनका बढ़ना भी उससे हो जाता है। आगे जो आता है इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने ललित निबंध की परिभाषाएं दी हैं, उसमें पहले विद्वान हैं रमेश चंद्र लवानिया। लवानिया जी क्या कहते हैं यहाँ, लवानिया जी यहाँ हमको क्या कहते हैं, ये देखिए लवानिया जी कहते हैं कि ललित निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को आधार बनाकर अपने व्यक्तित्व को स्वच्छंद गति से ललित शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें कितनी बातें समाहित की गई है, एक तो साहित्य की विधा है, इसमें किसी भी विषय को लिया जा सकता है, इसमें किसी भी विषय को लिया जा सकता है और उसका आधार बनाकर के लेखक जो है वो अपने व्यक्तित्व को, खुद का जो व्यक्तित्व है उसको स्वच्छंद गति से, देखिए व्यक्तित्व होता है और फिर उसकी स्वच्छंद गति होती है और उस स्वच्छंद गति से ललित शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अर्थात दूसरे तक वो बात ले जाता है जो उसके मन की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ तीन चार चीज़ें इसमें शामिल होगी, पहले तो यह विधा है, दूसरी ये निबंधकार कोई भी विषय इसमें लेते हैं,
तीसरी चीज स्वच्छंद गति होती है व्यक्तित्व की, और फिर ललित शैली होती है अभिव्यक्ति की। फिर उसके बाद आते हैं एक और विद्वान, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय इस बारे में क्या आप देख लीजिए, पहले कुबेरनाथ राय इस बारे में कहते हैं कि विषय के आसपास शिव के सौध की भांति मुक्त विचरण, मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध है। ये एक ऐसा स्वतंत्र शिव का सौध मानते हैं, निबंध को इतना स्वतंत्र मानते हैं कि वो कहीं भी विचरण कर सकता है और कहीं भी वो कहीं से कुछ भी ले सकता है, अर्थात कहीं से भी विचार ले सकता है, कहीं से भी उसके कोई भी भाव आ सकता है। इस तरह से वो उन्मुक्त भाव से मनुष्य या लेखक का मन जो है चारों तरफ विचरण करता है और उसका जो है चरण भी जब चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ एक ऐसा पशु माना है जो शिव के आसपास रहता हो या शिव के सौध के समान माना है, जो कि मुक्त चरण और विचरण करता हो, जिस पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो। एक अन्य विद्वान है डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ क्या कह रहे हैं वो देखिए कि सृजनात्मक साहित्य की जितनी विधियां हो सकती है, सृजनात्मक साहित्य की जितनी विधियां हो सकती है जिनमें सरसता और सौंदर्य होता है, जिनमें सरसता और सौंदर्य होता है, वे सब ललित विशेषण युक्त निबंध में स्थान पा सकती है। इन्होंने वैसे तो परिभाषा नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा ललित निबंध में वो स्थान पा सकती है, तो अस्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने ये कह दिया है ललित निबंध ही होते हैं। हो गई ये बात स्पष्ट। इसमें फिर हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि सृजनात्मक साहित्य की, इन्होंने खाली निबंध नहीं लिया, ऐसी कोई भी विधि जो साहित्य का सृजन करती हो, जिनमें सरलता और सौंदर्य दोनों उपस्थित हो, और उनका नामकरण यदि हम ललित निबंध करते हैं तो उस निबंध में वो स्थान पा सकती हैं। तो ये परिभाषा थोड़ी अधूरी सी लगती है, लेकिन है, इन्होंने दी है तो हमने इसको ले लिया है। एक और विद्वान जिन्होंने ललित निबंध की परिभाषा दी है वो है डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर। ये क्या कहते हैं, वह मधुर साहित्य लेख जिसमें निबंध और कहानी का संकर हो, अर्थात कहानी सी रोचकता हो और निबंध की सी गंभीरता हो और उनका मिला जुला रूप हो, ऐसी रचना साहित्यिक निबंध या ललित निबंध कह। अब यहाँ हम इसको एक बार फिर स्पष्ट कर लेते हैं कि वो पहली चीज़ क्या बताते हैं, साहित्य का वह मधुर लेख या वह मधुर साहित्य लेख या साहित्यिक लेख जिसमें मधुरता हो, जिसमें निबंध और कहानी का संकरण हो, अर्थात जिसमें निबंध भी हो और कहानी, और दोनों मिलकर के एक रूप ले लेते हो, अलग अलग रहते हो तो निबंध नहीं बनेगा, दोनों एक रूप ले लें, तो उनको मिलने से जो रचना बनती है और साथ साथ उनके दोनों के गुण, जैसे कहानी में होती है रोचकता और निबंध में होती है गंभीरता, वैचारिक गंभीरता, तो आगे वो कहते हैं अर्थात कहानी सी उनमें रोचकता हो और निबंध की सी उनमें गंभीरता हो और उनका मिला जुला रूप हो, तो ऐसी रचना ललित निबंध या साहित्यिक निबंध कहलाती है। एक और विद्वान हमारे सामने, उनकी परिभाषा है वो है डॉक्टर
मुबैशाह ये क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सापेक्षता, स्वच्छंदता, वैचारिकता के गुणों से संपृक्त संक्षिप्त गद्य रचना को ललित निबंध कहा जाता है या कहा जा सकता है। कहा जाता है नहीं कहा इन्होंने, कहा जा सकता है, ये बात इन्होंने हमको बताई है इस परिभाषा में। तो क्या बताया है कि ऐसे निबंध जिनमें व्यक्तिगत सापेक्षता हो, अर्थात मान लीजिए मैं कोई विचार रखता हूँ और लेखन कर रहा हूँ, तो मेरे जो व्यक्तिगत विचार हैं वो विचार इसमें होने चाहिए। ये नहीं कि निबंध मेरे विचारों से निरपेक्ष रहेगा, बल्कि मेरे विचारों का प्रभाव उस निबंध पर होना चाहिए। स्वच्छंदता, लेखक के विचार जो हैं उसमें स्वच्छंद होने चाहिए, वो बंधनों से बंधे हुए नहीं होने चाहिए, और उनमें भरपूर वैचारिकता हो, विचार भी उन जो व्यक्तिगतता है या स्वच्छंदता है, मन में जो भाव पैदा हुए हैं उनमें वैचारिकता भी होनी चाहिए, और इन तीनों गुणों का संपृक्त अर्थात बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ाव कह सकते हैं हम, या सशक्त कह सकते हैं हम, संपृक्त कह सकते हैं, संक्षिप्त गद्य रचना को हम ललित निबंध कहते हैं। तो यहाँ इन चार पांच परिभाषाओं को पढ़ने से हम निबंधों की एक तो स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, उनकी विशेषताओं को समझने में भी हम काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं, और ये जान जाते हैं कि यह इन निबंधों में या यह निबंध या इन निबंधों में किसी भी लेखक की भावात्मक और विचारात्मक अभिव्यक्ति होती है। इन निबंधों में भावात्मक और विचारात्मक दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यह आत्म प्रस्तुति का, क्योंकि लेखक की भाव और विचार प्रकट हो रहे हैं, तो क्या प्रकट हो रहा है? उसका आत्म प्रकट हो रहा है, तो उसकी आत्म प्रस्तुति का एक स्वच्छंद साधन है ललित निबंध जो है, एक स्वच्छंद साधन है जिसमें किसी निबंधकार की आत्म प्रस्तुति होती है। यह अंतर्मुखी भावदशा, यह अंतर्मुखी भावदशा की देन होती है। भाव अंदर होते हैं, भावों को जब विलोड़न होता है भीतर ही भीतर, तो ये चीज़ लेखक के भीतर उत्पन्न होती है और वह हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। यह लालित्य का सृजन कर पाठकों को विचार और अनुभव के नए संसार में रसमग्न कर देता है, पूरी तरह से रस से सरोबार कर देता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये जो ललित निबंधों पर थोड़ा सा विचार और कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उन पर हमने विचार किया, अध्ययन किया। आप लोग भी ललित निबंध के बारे में आपसे पूछा जाए कि ललित निबंध क्या है, उसकी परिभाषा विभिन्न विचारकों ने क्या बताई है, स्पष्ट कीजिए, तो आप